नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रिकिंग तोमर पर। और आज हम आपको बताएंगे पद्यांशों का सह संदर्भ सहित व्याख्या कैसे होती है। ये आएगा मोस्ट, लिख कर ले लीजिए, 2020 की परीक्षा में आएगा। चलो इसे शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ट्रिकिंग तोमर। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई। चित्त कहते हैं हृदय को। जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्ज्वल हुए। जैसे जैसे श्याम बूढ़े यानी कि बड़े बड़े हुए हैं, उनका रंग उज्ज्वल होता है। प्रसंग लिखिए। बिहारी का मत है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मन की मलमता यानी कि कोमलता एवं कलुषता यानी कि कहते हैं बुराई दूर हो जाती है और हृदय स्वच्छ हो जाता है। यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन का, यानी कि श्री कृष्ण को जो प्रेम करता है उसका मन स्वच्छ हो जाता है। व्याख्या करनी है ऐसे करके आपको बोर्ड में करना है, पूरे 4 नंबर मिलेंगे। व्याख्या। अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है। या अनुरागी चित्त की गति समझे कोई। जिसमें अनुराग ही चित्र की गति कोई नहीं समझ सकता। इसकी गति बड़ी विचित्र है। यह प्रेमी मन जितना ही काले रंग के श्री कृष्ण में डूबता जाता है उतना ही पवित्र और उज्ज्वल अथवा निर्लक्ष होता है। पवित्र उज्ज्वल को ही कहते हैं निर्लक्ष। अब इसके ये भी लिखने हैं आपको। गुण माधुरी है, अलंकार श्लेष, वृद्धा विरोधाभास, पुनरोक्ति प्रकाश और छंद है ये दोहा, यानी कि दोहे का उदाहरण आएगा लिखने को। तो ये लिख सकते हैं या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई। जो जो बूढ़ा श्याम रंग तो उज्ज्वल होई। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल ट्रिक इन तोमर। नमस्कार, देखते रहिए।